So today we are going to continue with the share capital lecture 2. The date is 12th April 2020. Share capital continue. So yesterday we discussed the stage the categories of share capital. कैटेगरीज में क्या था? सबसे पहले थी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जितनी हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिट मिली हुई है उसमें से जितने कैपिटल हम इशू कर रहे थे, दैट वाज एट अ टाइम इशूड शेयर कैपिटल, और जो इशू नहीं होती थी दैट वाज अन इशूड शेयर कैपिटल. इशूड में से जितने लोग खरीद रहे थे दैट वाज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और जो नहीं खरीद रहे थे दैट वाज अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. जितनी खरीद रहे थे उसमें से जितनी मैंने मंगवाई दैट वाज कॉल्ड, जो नहीं मंगवाई दैट वाज अनकॉल्ड कैपिटल. कॉल्ड अप में से जितने लोगों ने पे कर दी दैट इज पेड अप कैपिटल, और जो पे नहीं की दैट इज कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है जी. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड. आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है. सारा जर्नल बेस्ड चैप्टर है, जर्नल एंट्रीज ही हमने इस चैप्टर में करनी है. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल. प्रोसीजर, कैसे शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है. प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल. सपोजिंगली मैं कंपनी हूँ मुकेश लिमिटेड, मैंने मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है. मैं क्या करूँगी, मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालूंगी दैट आई एम गोइंग टू इशू शेयर्स. ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड मे अप्लाई विद एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2, ठीक है. सब लोगों की एप्लीकेशन मनी आ जाएगी जो जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है. अब सब्सक्रिप्शन ना तीन तरह की होती है. पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के लोग कैसे कैसे खरीदते हैं. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. नंबर वन, फुल सब्सक्रिप्शन. फुल सब्सक्रिप्शन मीन्स कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स. सराबनगर कॉन्वेंट ने अपना एडमिशन क्राइटेरिया खोला LKG के लिए, उनके पास 250 सीट्स थी और एप्लीकेशन भी 250 सीट्स की आई. कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है ना, बट नई कंपनी थी, पब्लिक को भी फेथ ही नहीं था, पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स, ठीक है. मानव रचना ने अपनी सीट्स खोली, दे हैड टू सेक्शंस, वन ऑफ 25 ईच, 50 सीट्स है, बट पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 20 सीट्स, सिर्फ 20 सीट्स पे. So this is under subscription. It normally happens with the less established companies or new companies or those companies in which public does not have faith. ठीक है. Third, उनके सारे shares नहीं बिकेंगे. Third is over subscription. तो बहुत अच्छी companies होती हैं, ठीक है ना, उनमें हो जाती है over subscription. Company issued 10,000 shares,
public applied for 25,000 seats. ऐसा होता है सराबन नगर कॉन्वेंट में सीट्स ओपन हुई एलकेजी में 5 सेक्शन थे 250 सीट्स हैं बट उनको एप्लीकेशन आ गई 1,000 स्टूडेंट्स की. अब उन्होंने सिलेक्ट करना है किसको उन्होंने एडमिशन देनी है और किसको नहीं देनी. नॉर्मली ओवर सब्सक्रिप्शन होती है कहाँ होती है जहाँ बहुत सारी कंपनीज जहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो दैट इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है चलो अब सबसे पहले हम फुल सब्सक्रिप्शन से शुरू करेंगे कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर किए और पब्लिक ने भी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. ठीक है पब्लिक ने भी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. चलो राइट डाउन द सम क्वेश्चन बहुत केयरफुली करेंगे. एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. मनी इज पेबल एज फॉलोज. ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस. अच्छा शेयर कितने का था 10 का. एप्लीकेशन पे ₹3 मंगवाए ऐसे स्टेजेस में मंगवाते हैं ना पैसा आपको बताया था. सेकेंड स्टेज से अलॉटमेंट स्टेज उस पर 5 मंगवाए बाकी बचे हुए. आगे पब्लिक अप्लाइड इन फुल. सब लोगों ने सारे शेयर्स खरीद लिए. क्वेश्चन क्या मांगा होगा पास जर्नल एंट्रीज. क्या पास करो जर्नल एंट्रीज. लेट्स बिगिन. सबसे पहले अपने लिए साइट पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे. ठीक है स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे सॉल्यूशन. 20,000 शेयर्स हैं मनी पेपर ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट 5 ऐसे ही था नहीं ऑन एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5 बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब आप बनाओगे जर्नल. क्या नाम था कंपनी का एक्स लिमिटेड तो ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. बुक्स बनाएंगे एक्स लिमिटेड के जर्नल पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस. ठीक है हर एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करनी है. ठीक है फॉर्मेट को एक्सटेंड करते फर्स्ट एंट्री. इमेजिन करो एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स ऑफर किए पब्लिक सामने पब्लिक है इनको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जा रही है कि हम 20,000 शेयर्स देने में वो बेचने में इंटरेस्टेड है. जो जो लोग मेरी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं ₹3 एप्लीकेशन के हैं एप्लीकेशन मनी सेंड कर दीजिए. और मेरे साथ में लिखा है सब ने अप्लाई कर दी. तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड को पैसे आ गए डेबिट व्हाट कम्स इन. रिमेंबर शेयर कैपिटल चैप्टर में कैश वर्ड नहीं यूज होना. सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू यूज होंगे बैंक के थ्रू होंगे. हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received. हमें क्या मिली application money. कितने मिली application money 20,000 shares थे. application money कितनी है 3. total कितने पैसे मिले 60,000. total कितने पैसे मिले 60,000 being application money received. ठीक है जी
मैम क्या लॉजिक बना एंट्री का, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी कंपनी की बुक्स बन रही है, कंपनी को चेक्स आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे हमारे लिए क्या है, मैं एडवांस में पैसे ले रही हूँ, मेरी लायबिलिटी। सो टू एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर बाद में सेकेंड एंट्री में ये शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल, बिकॉज वी आर रेजिंग शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वी आर ट्रांसफरिंग दिस मनी टू शेयर कैपिटल। जितने पे एप्लीकेशन खुली उतने पे बंद, ट्रांसफरिंग दिस मनी टू शेयर कैपिटल विद द नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, वी आर रेजिंग शेयर कैपिटल। माई फर्स्ट स्टेज इज ओवर, तीन स्टेजेस में पैसा आना था, मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी थी, तो कितनी एप्लीकेशन मनी आई, 60,000। फिर मैंने ये एप्लीकेशन मनी अपनी कैपिटल रेज कर रही हूँ, तो एप्लीकेशन मनी विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल, पहले शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ठीक है। चलो जी, एंट्री नंबर 3, अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अब सबकी एप्लीकेशन मनी आ गई, अब मैं सबको कहूँगी कि तुम लोग मेरी कंपनी के क्या बन गए हो, शेयर होल्डर्स। अब तुम लोगों ने मुझे अगली स्टेज पे करनी है, तो मैं क्या लिखूँगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, व्हाट एम आई रेजिंग, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आई एम रेजिंग शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू है, 20,000 तो शेयर्स हैं, 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख, 20,000 तो शेयर्स हैं, 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख, ठीक है जी। चलो अब सबको मैंने मैसेजेस भेज दिए कि आपके अलॉटमेंट ड्यू है, सब लोग मुझे अलॉटमेंट दे देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने मिलने थे अलॉटमेंट, 1 लाख, अब रिसीव कर लो 1 लाख, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अब हमें अलॉटमेंट मनी मिल गई, ठीक है। अब लास्ट स्टेज आई, लास्ट स्टेज क्या थी, शेयर फर्स्ट कॉल, सो माय एंट्री वुड बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मैम शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है ना, यू हैव टू लर्न सम एंट्रीज, दीज आर द बेसिक एंट्रीज, बीइंग लास्ट कॉल फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल ड्यू, कितने शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स थे, 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितनी बनती है, 40,000, ठीक है। एंड लास्ट एंट्री वुड बी डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है। कितने मिलने थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 40,000, तो रिसीव कर लो 40,000, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। नाउ व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ऑल द स्टेजेस, हैव यू फाउंड सम डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस गेम होती है ना, इसमें भी ऐसे देखो, तीन स्टेजेस में क्वेश्चन था, एप्लीकेशन के थे, ऑन एप्लीकेशन इट वाज,
3. On allotment it was 5. On first and final call 2. ठीक है जी. अब जब हम रिसीव कर रहे थे, हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन दी, सबने मुझे एप्लीकेशन मनी दे दी. तो सबसे पहले हमें चेक आएगा, फिर मैं वो एप्लीकेशन के पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, शेयर कैपिटल. नेक्स्ट स्टेज में वो बंदा मेरा शेयर होल्डर बन चुका है, अब मैं उसको क्या कहूँगी, अब मैं उसको कहूँगी तेरी अलॉटमेंट ड्यू है. तो देखो इसमें अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पहले है, रिसीव की बाद में. आई रिपीट, एप्लीकेशन स्टेज में बैंक वाली एंट्री पहले है, कैपिटल वाली बाद में, बट नेक्स्ट स्टेजेस में पहले ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे. ठीक है, ऐसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगी. मतलब फर्स्ट स्टेज में बैंक वाली एंट्री पहले और कैपिटल वाली बाद में, सेकेंड स्टेज में अलॉटमेंट ड्यू फिर बैंक वाली बाद में, थर्ड स्टेज में फर्स्ट कॉल ड्यू और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. Why in first stage entry is different as compared to second and third stage? Because in first stage पहले हम application announce करते हैं कि जो जो interested है मेरी company में apply करते हैं, तो सबसे पहले check आएंगे, फिर हम उनका पैसा capital में transfer करेंगे, फिर allotment due करेंगे, फिर allotment receive करेंगे, फिर first call due करेंगे, first call receive करेंगे. Basically तो हम share capital raise कर रहे हैं. देखो application open, फिर application close भी कर दी, फिर अलॉटमेंट ओपन, अलॉटमेंट भी क्लोज कर दी, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ओपन, फर्स्ट कॉल भी क्लोज कर दी. नेट एंट्री क्या रहेगी, बैंक डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यस और नो? नेट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. बेसिकली जब बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में डालते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल. जब टू पार्टनर्स पैसा बिजनेस में डालते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल. अब शेयर होल्डर्स बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. बट प्रॉब्लम क्या है, स्टेजेस में पैसा आया है तो वो स्टेजेस को नाम दे देंगे. ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज और कॉल स्टेज, और हर स्टेज की दो दो एंट्रीज. सो इन टोटल इफ देर आर 3 स्टेजेस वी विल हैव 6 एंट्रीज, एंड इफ देर आर 4 स्टेजेस वी विल हैव 8 एंट्रीज, एंड इफ देर आर 5 स्टेजेस वी विल हैव 10 एंट्रीज. Every stage has 2 entries, ठीक है. और लॉजिक क्या है इन एंट्रीज का, जब मैं करती हूँ शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड, इट मीन्स आई एम डेबिटिंग ऑल द शेयर होल्डर्स, सिंस दे हैव टू पे मी द मनी दे बिकम डेटर्स. सो एंट्री वुड बी ऑल डेटर्स डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट में सारे शेयर होल्डर्स डाल दिए, एंड वॉट एम आई रेजिंग टू शेयर कैपिटल, एंड वेन दे पे मी ऑफ तो चेक्स आ गए डेटर से और डेटर्स के अकाउंट क्लोज. सो दिस इज द लॉजिक. अब इतने सारे शेयर होल्डर्स होते, वी कैन नॉट ओपन ऑल नेम्स इन अवर बुक्स, सो वी पुट अ कम्बाइंड अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट, वी पुट अ कम्बाइंड अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट, वी पुट अ कम्बाइंड अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट. उसमें सारे शेयर होल्डर्स की मनी आ जाती है. ठीक है, जब वो पे कर देंगे उनका अकाउंट बंद हो जाएगा. सो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आगे बात? एक और सम करते हैं इसी का, ताकि क्लैरिटी और हो. चलो राइट डाउन द क्वेश्चन. इस पेज पे होगा नहीं, लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज. चलो क्वेश्चन. राहुल लिमिटेड शेयर कैपिटल मेजरली मेरे नोट्स में से ही करता है, बुक वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. अभी बुक में से आपको सम्स भी नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, जो सम्स मैं कॉन्सेप्ट में दे रही हूँ वही करोगे.
Rahul Limited issued 30,000 shares of rupees 10 each. बस अपने नोट्स बहुत अच्छी तरह बना लोगे जो मैंने बनाए हैं. मनी पेबल, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन सेकेंड कॉल कितने रह गए? 10 का शेयर है 3, 4, 5, 6, 7, 8 ₹2 रहे. ठीक है जी. पब्लिक अप्लाइड इन फुल, पब्लिक अप्लाइड इन फुल, सब लोगों ने सारे शेयर्स खरीदे. पास एंट्रीज, पास एंट्रीज, लेट्स बिगिन. चलो जी, 30,000 शेयर्स, जर्नल का फॉर्मेट. साइड पे लिख लो 30,000 शेयर्स. चलो वो पूरा लिखोगे इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड. एप्लीकेशन मनी एडवांस में ही आती है. सपोजिंग कि मैं कैटेगरी ऑफ शेयर भी मेंशन कर देती हूँ, चीज़ें और ऐड करेंगे. आई विल बी मेंशनिंग द कैटेगरी एज वेल एज डेट. ठीक है. इश्योर 30,000 इक्विटी शेयर्स. जब प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स. अच्छा, एप्लीकेशन की डेट 1 अप्रैल 20, 30 जून अलॉटमेंट की डेट, 31 अक्टूबर फर्स्ट कॉल की डेट, 1 दिसंबर सेकेंड कॉल की डेट. ठीक है. तो अब यहाँ डेट के कॉलम में डेट्स भी आ जाएंगे. 1 अप्रैल 20, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 30,000 शेयर्स पे ₹3 एप्लीकेशन मनी के 90,000 एंड 90,000. ठीक है जी. ठीक है, हम ये एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वी आर रेजिंग शेयर कैपिटल. एप्लीकेशन कितनी थी? 90,000. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. चलो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स. अलॉटमेंट मनी कितनी है? 2. दैट वुड बी 60,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट जितने पे ओपन उतने पे क्लोज. ठीक है. अब मैं डेट्स दिखाती हूँ. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स हैं? 30,000 शेयर्स हैं. फर्स्ट कॉल कितनी थी? 3. 90,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. कितने मिलने थी फर्स्ट कॉल? 90,000. ठीक है. चलो लास्ट स्टेज, शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड. लास्ट एज के साथ क्या वर्ड लग जाएगा? फाइनल. सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. 30,000 शेयर्स. लास्ट एज कितने की थी? 2 रुपीज. चेक करो अपनी कॉपीज में से. 60,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड
to share second and final call. 60,000. ठीक है. So these were four stages with eight entries. Now let us put the dates. Always remember क्या होता है. सबसे पहले ऐड की, फर्स्ट अप्रैल को ऐड की तो एप्लीकेशन मनी आ गई. 30,000 शेयर्स लोगों ने सबने खरीदे. एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से हमें 90,000 दिए थे. अब याद रखना, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंट्री इज ऑन द सेम डेट, दैट इज डेट ऑफ अलॉटमेंट. ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट. एप्लीकेशन ट्रांसफर भी कब होती है? जिस दिन हम डिसाइड करते हैं किस किस को शेयर मिलना है. तो इसमें तो फुल सब्सक्रिप्शन थी, सबको मिल गया. दिस इज समथिंग लाइक कॉन्वेंट ने सबसे पहले सबसे वो रखवा लिए, पैसे रखवा लिए. फिर उसके बाद जिस दिन कॉन्वेंट वाले मैनेजमेंट बैठेगी ये डिसाइड करने किस किस को हमने एडमिशन देनी है, उस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी. बाकी एप्लीकेशन क्या आ जाएंगी? रिजेक्ट. सो एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड विल बी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट. व्हाट वाज द डेट ऑफ अलॉटमेंट? 30th June 2020. अलॉटमेंट ड्यू भी उसी दिन कर दो कि आपके अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू है आप दे दो. और फिर अलॉटमेंट रिसीव कुछ नहीं दिया होता तो हम यही मान लेते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू है उसी दिन अलॉटमेंट रिसीव होगी. 30th June 2020. सो अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव. फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल. व्हाट वाज द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल? 31st October 2020. फिर फर्स्ट कॉल रिसीव भी कर लो. कुछ नहीं दिया होता हम मान लेते हैं जिस दिन अनाउंस किया लोग उसी दिन पैसे दे गए. देन शेयर सेकेंड कॉल ड्यू. सेकेंड कॉल इज ड्यू ऑन 1st December एंड देन सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड देन सेकेंड कॉल रिसीव्ड. सेकेंड कॉल किस दिन रिसीव हो रही है? सेकेंड कॉल रिसीव जिस दिन ड्यू की उसी दिन रिसीव. इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? आई रिपीट, सबसे पहले इसमें फोर स्टेजेस थी तो फोर एट एंट्रीज हो जाएंगी, है ना. फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 30,000 शेयर्स पे 3 रुपये, एप्लीकेशन के 90,000. शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज 90,000. अलॉटमेंट ड्यू करो 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़. अच्छा, एक और टेक्निकल डिफरेंस था कि इक्विटी था तो एंट्री कैसे हो जाएगी? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, हर जगह वर्ड क्या आ जाएगा? इक्विटी इक्विटी या नहीं. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड लास्ट ऑफ ऑल वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड कॉल. इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? यस और नो? एंड व्हाट वाज द टेक्निकल डिफरेंस ऑफ डेट्स इन दिस क्वेश्चन? एंट्री नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ विल बी ऑन द सेम डेट, दैट इज डेट ऑफ अलॉटमेंट. एंट्री नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ विल बी ऑन द सेम डेट, दैट इज डेट ऑफ अलॉटमेंट. उनकी डेट सेम रहेंगी. और कौन सी डेट्स रहेंगी? डेट्स ऑफ अलॉटमेंट. ठीक है, क्लियर? चलो जी. अंडर सब्सक्रिप्शन.
write down. Under subscription, case 2, that was full subscription. अब हम शुरू करने जा रहे हैं under subscription. Under subscription, when shares applied are less than issued, it is called under subscription. Write down in bolds. In case of under subscription, past journal entries with number of shares applied for. कॉमन सेंस है, चाहे मानव रचना 50 सीट्स थी बट 20 सीट्स ही लोगों ने वो अप्लाई किया, ठीक है ना, तो हम सारी एंट्रीज कितनी पैसे कितनी सीट्स के आएंगे 20, बाकी तो बिकी ही नहीं, ठीक है. सो पास एंट्रीज विद नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, ठीक है. मैम अगर मतलब 50 सीट्स है, अब हमने सारा अरेंजमेंट टीचर्स का सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली कर लिया, सीट्स तो सिर्फ 20 ही बिकी है, फिर क्या होगा, विल दे बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस. अब इसमें ना एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये आपको प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकली नहीं करना बट थ्योरिकली ये आंसर याद करना है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, इट सेज दैट कंपनी विल फ्लोट द इशू ओनली इफ 90% इशू इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक. अगर 90% शेयर्स पब्लिक खरीदती है तभी इशू फ्लोट होगा, नहीं तो जो 10% शेयर्स के पैसे भी आए हैं वो भी क्या आ जाएंगे वापस, क्योंकि अगर अगर 90% इशू नहीं बिकता तो कंपनी के पास उतने पैसे ही नहीं है कंपनी चलाने के लिए. कंपनी को डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, कंपनी को क्या उसका नाम है अपने फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए तो कंपनी चलाई थी कि पब्लिक से फंडिंग होगी. बट अगर पब्लिक 90% इशू नहीं खरीदती तो कंपनी जितने के पैसे आए भी हुए हैं उन सब के क्या कर देंगे, रिफंड, क्या कर देंगे, रिफंड, ठीक है जी. इज इट क्लियर? चलो, बट आपको समझ में नहीं देखना, जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें आपको बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज करना है. यू डोंट हैव टू चेक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, बट डोंट चेक इन योर सम्स. 90% का क्राइटेरिया सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए, उसके लिए है थ्योरी क्वेश्चन. लेट्स बिगिन क्वेश्चन. साहिल लिमिटेड issued, Sahil Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each. 50,000 is my preference shares kar lete, preference shares. Money payable on application 4, on allotment 3, on first and final call 3, public applied for 40,000 shares,
पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 40,000 शेयर्स. कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज, नथिंग टू बी डन फ्रॉम द बुक एज येट. बार बार बोल रही हूँ, जो मैं नोट्स भेज रही हूँ बस वही करेंगे. लेट्स बिगिन. ठीक है, जब मैं कहूँगी बुक में से करना है तभी करना है. इन द बुक्स ऑफ साहिल लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री. भूल जाओ 50,000 शेयर्स को, जब एप्लीकेशंस ही 40,000 शेयर्स की आई हैं तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? 40,000 शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 40,000 शेयर्स पे कितनी एप्लीकेशन बनी आई है? 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन बनी आई है 4 × 4, 1,60,000. सेकेंड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,60,000. ठीक है जी. थर्ड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट यू करेंगे, 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया? 1,20,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 1,20,000 रिसीव कर. लास्ट स्टेज, हर स्टेज पे नरेशन जरूर लिखनी है. प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 40,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल भी कितनी है? 3. 1,20,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1,20,000. इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हेन शेयर्स अप्लाइड आर लेस देन शेयर्स इश्यूड, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन. इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन पास जनरल एंट्रीज विद नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर. अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 50,000. बट एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आई? 40,000. तो सारी एंट्रीज मैंने कितने शेयर से पास की? 40,000. 40,000 इंटू 4, 160. 40,000 इंटू 3, 120. अलॉटमेंट स्टेज है ना, और 40,000 इंटू 3, 120 कॉल स्टेज. ठीक है जी. राइट डाउन टू सम्स जो घर पे करोगे, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन एक बार आपस में फोटोग्राफ मंगवा के चेक कर लेना, जो डाउट्स होंगे वो मैं ले लूँगी. राइट डाउन होमवर्क क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, आर लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. पूरे जर्नल के फॉर्मेट में करने हैं. मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4. एप्लीकेशन की डेट दी हुई है 1 July 2020, अलॉटमेंट की डेट 1 October 2020,
फर्स्ट कॉल की डेट 1 जनवरी 2021। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड इन फुल, नाम बताया हो, इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स, अकेला शेयर कैपिटल। सेकेंड क्वेश्चन, एम लिमिटेड इशोड 10,000 इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 40, ऑन अलॉटमेंट 50, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। निकाल लेना कितना बचा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स, पास इंट्रीज, सम्स करके आपस में चेक करके जो सम नहीं निकलेगा या जो डाउट है वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपने सारे सम्स कंप्लीट करेंगे। बार बार बोल रही हूँ शेयर कैपिटल आपने मेरे नोट्स में से ही अभी करना है, जो मैं लेक्चर्स भेज रही हूँ, बस वो सम्स अपनी कॉपीज में कंप्लीट करो। शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट लैक कर गया तो चैप्टर ही लैक कर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स फुल फ्लेज मेरे बनाओ, जो जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज रही हूँ, ठीक है, और अकॉर्डिंगली चलेगा। नाउ डीएबी एंड सत पॉल विल नॉट सिट बैक फॉर एडमिशन, दे विल सिट बैक फॉर शेयर कैपिटल एवरी डे, एंड रेस्ट ऑफ द स्कूल्स विल फॉलो देयर कंटिन्यूड सिलेबस, दैट इज दे विल बी डूइंग एडमिशन ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।